कोई भी पुरानी गाड़ी लाइए, 5,000 रुपए का एडिशनल वैल्यू पाइए 5,000 रुपए के मानसून ऑफर के साथ। दिए गए नंबर पर संपर्क करें, हरिगंज और मुगट थाने के सामने शोरूम पर संपर्क भी कर सकते हैं। बाप रे बदल, अरे बाप रे, बहुत बदबू बहुत आ रही है यार। अरे बगले, किसने कटवाया पेड़? कौन जिम्मेदार है इसको कटने वाला? आप किस सिस्टम? सर हम तो जनता है, आम जनता है। पर आपकी लैंग्वेज तो यूपी वाली है। बिल्कुल नहीं, महाराष्ट्र से। नगर निगम की गाड़ी दिख रही है ये? बदबू तो बहुत आ रही है। बगले देव, किसने बेघर कर दिया आपको? तो किसने काटा ये? किसने काटा है पेड़? नगर निगम वाले ने। किसको मालूम है? तो किसको मालूम है? ये चिट्ठी वाले को मालूम है। चिट्ठी कौन? ये कमेटी है ना, कमेटी है। कहाँ है? व्हाइट शर्ट कहाँ है? ये व्हाइट शर्ट वाले। ये देखो, अरे उसमें पड़े हुए दो क्रेट, तो उसमें पड़े दिए गाड़ी के अंदर। दो क्रेट गाड़ी में पड़े हुए मरे हुए। दो क्रेट गाड़ी में पड़े हुए मरे हुए। दो क्रेट मरे हुए पड़े हुए। बगले, ये करा किसने ऐसा? ये बोले कमेटी वाले आए, बोले कमेटी वाले नगर निगम। हाँ, नगर निगम, नगर निगम वाले आए, उन्होंने काटा है पेड़। हाँ ऐसा बोल रहा था। अच्छा, वो चिट्ठी वालों को मालूम है सर। दोस्तों, नजारा मध्य प्रदेश के खंडवा का है, जहां पर एक दधीच पार्क है जो कोतवाली थाना क्षेत्र में आता है, रेलवे स्टेशन रोड पर है। यहां पर जो पेड़ हैं दधीच पार्क में, उस वो बगुलों का ठिकाना हुआ करते थे। आप समझ सकते हैं कि जो पक्षी हैं वो कहीं ना कहीं पेड़ उनका ठिकाना रहता है। और ये नगर निगम की टीम ने इस पेड़ को काटा और बहुत से बगुले जो है वो बेघर हो गए। इसके अलावा कई बगुलों की का निधन भी हो गया और जगह जगह बगुले, जैसा कि हमने आपको दिखाया कि पड़े हुए हैं, आप समझ सकते हैं वो अपना जो आशियाना है वो छोड़ना नहीं चाहते। एक जिस प्रकार से इंसान के लिए उसका जो घर होता है वो सपनों का उसका महल होता है और जीवन भर की पूंजी लगाकर वो उस मकान को बनाता है, और आप सोचें जब वो मकान टूट जाता है या कोई तोड़ देता है तो आपको जिस तरह की फीलिंग आती है, दर्द होता है। उस व्यक्ति को जिसका मकान तोड़ दिया जाता है उसे दर्द होता है, उसी तरीके का दर्द इन बगुलों का है। और ये बगुले जो है अपना घर छोड़ना नहीं चाहते, डाल कटने के बावजूद भी जो है बगुला उसमें छुप कर बैठा है। और कई जगह जो है बगुले को जहाँ जगह मिली वो घूम रहे हैं, ये खुली रोड पर घूम रहे हैं। और ये जो है बगुले, इन्होंने अपना ठिकाना ढूंढने की कोशिश की, लेकिन एक बगुला यहाँ पर भी उसका निधन हो गया है, दिख रहा है स्पष्ट। और ये बगुले अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं, इन्हें अभी समझ नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। ये बगुला है, यहाँ पर काफ़ी स्मेल भी आ रही है और नगर निगम ने न जाने ऐसी उसे क्या रिक्वायरमेंट थी जो इस पेड़ को काट दिया। बरसों से ये पेड़ है और यहाँ इस पेड़ों की जो पहचान है, जितने भी पेड़ हैं पक्षियों के कारण है। ये पक्षी जो है नीम के पेड़ पे बैठे हुए हैं और दधीच पार्क रेलवे स्टेशन रोड पर ये पक्षी बहुत बड़ी खंडवा की पहचान है, जगह जगह बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं पेड़ों पर बगुले आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे होंगे। और यहाँ पेड़ काटने का सिलसिला जैसे ही शुरू हुआ, ये बगुले जो हैं वो बेघर हो गए और कई बगुलों की मौत हो गई है। बहुत ही दुखद एनवायरनमेंट है, काफ़ी स्मेल भी आ रही है, बदबू भी आ रही है। पत्रकार मौके पर पहुंचे हैं और नगर निगम से पूछेंगे, प्रयास करेंगे आगे कि उनको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि ये पेड़ को उन्होंने काट दिया। और बगुले जो है वो इस पेड़ पर रह रहे थे, काफ़ी बगुले जो है वो बेघर हो गए और बहुत ही दुखद नज़ारा है। बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। मौके पर कुछ लोग खड़े हुए हैं जो यहाँ खड़े हुए थे। आप कब से खड़े हैं यहाँ? आपसे अभी आप आए हैं, क्या नाम है आपका? विकास। विकास जी।
अच्छा आप यहीं रहते हैं खंडवा में? अदर डिस्ट्रिक्ट से हैं, ठीक है ओके। ये जो है दूसरी डिस्ट्रिक्ट से आए हैं तो इन्हें तो कुछ नॉलेज नहीं है, ये फल फ्रूट वाले हैं और जो यहाँ पर ठेले वाले हैं उनसे पूछते हैं कि वास्तव में हुआ क्या था। ठेले वाले जैसे ही देखा कि कैमरा उनकी तरफ आ रहा है वो दाएं बाएं हो गए, तो कोशिश करते हैं। काका ये किसने काट दिए पेड़, तो देखा आपने? मैं तो लेट आया। लेट आया वो अभी जो काका बोल रहे थे वो कहाँ हैं? अच्छा आप हैं काका, ये एक ही पेड़ काटा या और भी पेड़ काटे? कब से? एक ही काटा है तो कब से काट रहे? सुबह से? सुबह काटा ना उन्होंने। अच्छा यहाँ बगुले जो है अक्सर रहते हैं, इस जिस पेड़ को काटा गया वहाँ बगुले भरे रहते थे? हाँ बैठे हुए थे ना उसके ऊपर। अच्छा कम से कम 100 बगुले थे। तो अभी दो आप बोल रहे 2 कैरेट बगुले जो है वो गाड़ी में डाल दी है? गाड़ी में डाल दी है। अच्छा आप क्या नाम लिखते हैं काका? मेरा नाम खलील खान। अच्छा आपके सामने ही सब हुआ? ये हैं खलील काका जिनका ये स्पष्ट कहना है कि नगर निगम की टीम द्वारा पेड़ को काटा गया है और 2 कैरेट बगुले जो हैं उनकी मौत हो गई है और उनको कैरेट में भर के गाड़ी में पटका गया है। कोशिश करते हैं गाड़ी के पास जाकर, बदबू बहुत आ रही है पर आपके लिए कोशिश करेंगे। ये बगुले को समझ नहीं आ रही कि वो जाए तो जाए कहाँ, इधर उधर विचरण कर रहा है, स्मेल बहुत ज़्यादा है। दिख रहे हैं बगुले? नहीं दिख रहे। गाड़ी में नेज भाई प्रयास कर रहे हैं बगुलों को देखने का, गाड़ी में जो है वो बगुले गाड़ी में अभी निकल के आया है। बहरहाल कई बगुलों का शरीर यहाँ पर पड़ा हुआ है। पहले अगर पेड़ काटना भी है और काटने की ज़रूरत क्या है, यहाँ पर कुछ ऐसी परेशानी नहीं है जिसके कारण पेड़ काटना चाहिए। इनका भी आशियाना है, आखिर ये जीव जंतु जाएंगे कहाँ? इधर जंगलों में पेड़ कट रहे हैं और जानवर दुखी हो रहे हैं। लाइफ साइकिल में जीव जंतुओं का, जानवरों का बहुत बड़ा रोल रहता है, आप जानते हैं। साइंस कहती है, आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ा है जब हम स्टडी करते थे, कि जो लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र है, उसमें हर जीव की वैल्यू है। इनके जीवन का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। बहरहाल बगुले जो है आप देख सकते हैं ये स्टैचू के पास अब ढूंढ रहे हैं और एक बगुले का निधन हो गया है और बहुत सारे बगुले यहाँ पे पड़े हुए हैं। चलिए अब आपसे विदाई लेते हैं, कोशिश करेंगे नगर निगम से पूछने की कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें पेड़ काटना पड़ा और इन बगुलों को बेघर करना पड़ा। जी हाँ, प्रकृति का ऋण चुकाएं, एक पौधा जरूर लगाएं। अब अपने घर, आंगन, छत, बालकनी, पोर्च को पौधों से सजाएं। अब समस्त प्रकार के पौधों के लिए संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, मोंदी रोड, सोहनी गोडाउन के पास, साथ ही क्रोमा शोरूम के पास, पदम नगर, इंदौर रोड, खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।